कैसे हो आप लोग? I'm Abhilasha and welcome back to my channel. Hey friends, आज मैं आप लोग के लिए एक ज्वेलरी सेट लेकर के आई हूँ और बिलीव मी बहुत खूबसूरत है वो ज्वेलरी सेट और आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगी. और आपने थंबनेल में तो देखा ही होगा ना, तो चलिए मैं उस ज्वेलरी की रिव्यू कर लेती हूँ आप लोग के सामने और वो ज्वेलरी कैसी आई है और उसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये सभी मैं आपको बताऊंगी. तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करिए, मुझे कमेंट किया करिए. हे फ्रेंड्स, मैं सभी के कमेंट पर्सनली हैंडल करती हूँ और मुझे आप लोग से कमेंट पे बात करना काफी ज्यादा पसंद है. तो फ्रेंड चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ज्वेलरी सेट वीडियो. Let's get started. So friends, ये है मेरी ज्वेलरी. मैंने ये ज्वेलरी Flipkart से बाय किया है अंडर 499 और ये अभी भी स्टॉक में है. तो मैं इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहो तो वहां से बाय कर सकते हो. और फ्रेंड्स ऊपर में लिखा हुआ है इसके शाइनिंग दिया फैशन और इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से आई थी. मैंने ऊपर का फ्लिपकार्ट का कवर हटा दिया और बस ये मुझे कार्डबोर्ड वाले डब्बे में ये रिसीव हुई है. अब चलिए मैं इसका अंदर का दिखाती हूँ आपको खोल करके. बहुत अच्छे से इन्होंने पैकिंग करके दे दी है ये बबल वाले रैपर के साथ ताकि आपकी ज्वेलरी एकदम सेफ रहे, टूटे ना. मैं इसका पैकेट हटा दे रही हूँ और ऊपर का आपको दिखाती हूँ. ये इस टाइप से इन्होंने पैकिंग करके दे रखी थी. कॉम्बो ऑफ टू नेकलेस सेट है ये और मुझे काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई थी. और ये ज्वेलरी फ्रेंड्स मैंने खुद के पहनने के लिए बाय किया है क्योंकि दुर्गा पूजा और कई सारे फेस्टिवल अभी नज़दीक आ रहे हैं. तो मैं तो अपने कलेक्शन कर रही हूँ और मेरे ऐसे ज्वेलरी के कई सारे वीडियोज आए हुए हैं. अगर आप देखना चाहते हो तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो. तो चलिए फ्रेंड हम इसे खोल लेते हैं. काफ़ी अमेजिंग आई है ये ज्वेलरी और ये एक ऐसी ज्वेलरी है जो आप किसी भी साड़ी के साथ वेयर कर सकते हो. मल्टी कलर में ये है, बहुत ही प्यारी लग रही है. यहाँ मुझे एक इयररिंग और दो नेक पीस रिसीव हुई है. तो चलिए सबसे पहले हम इसकी इयररिंग की बात कर लेते हैं. मैं इयररिंग खोल लेती हूँ और फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं ये ज्वेलरी आपको पहन के भी दिखाऊंगी. सो फ्रेंड्स ये है इसकी इयररिंग, आप देख सकते हैं इस पे गोल्डन प्रिंट है और फिर कुंदन डिजाइन दी हुई है जो कि आपके किसी भी साड़ी के साथ ना अमेजिंग लगने वाली है. और अगर मैं इसकी इयररिंग की बात करती हूँ फ्रेंड तो इयररिंग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और इसकी कलर हटने वाली नहीं है. और हाँ, अगर आप कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हो तो अगर आप उसे परफ्यूम से बचा के रखोगे ना काफ़ी टाइम तक चलेगी. इसकी डिज़ाइन मैं आपको नज़दीक से दिखा दे रही हूँ और इसकी जो नीचे की पर्ल की क्वालिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. मैंने फ्रेंड्स आपको इयररिंग तो दिखा दिया, अब चलिए मैं इसकी ज्वेलरी सेट आपको दिखाती हूँ. सबसे पहले मैं इसका छोटा वाला दिखा दे रही हूँ आपको. सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये इसका नेक पीस है. इनफैक्ट अगर आप ये दोनों नेक पीस नहीं पहनना चाहते हो तो आप इसे सिर्फ सिंगल भी पहन सकते हो, या तो इसका बड़ा वाला या छोटा वाला, दोनों अमेजिंग लगेगी. इसकी डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारी लगी है और ये गोल्डन मल्टी कलर में है तो और भी ज़्यादा प्यारी लग रही है. ये किसी भी साड़ी के साथ आपके चली जाएगी, आपको अलग से कोई एक साड़ी के लिए ना सेट खरीद के नहीं रखना पड़ेगा यार ये साड़ी इसमें ग्रीन है तो ग्रीन के लिए अलग ज्वेलरी लूँ. ये सबके साथ आ जाएगी और इस टाइप की ज्वेलरी की ट्रेंड ना अभी बहुत चली हुई है. अगर आप ये सब ज्वेलरी को बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो. अगर इस टाइप की ज्वेलरी आपके पहले से ही है तो अगर आप 2 साल बाद भी इस टाइप की ज्वेलरी को पहनते हो ना तो इसकी फैशन नहीं जाने वाली है. इस टाइप की ज्वेलरी एवर ग्रीन होती है, वेडिंग और इंगेजमेंट में भी पहन सकते हो, काफी ज्यादा प्यारी लगेगी. फ्रेंड्स मैं इसका बैक का साइड दिखा दे रही हूँ आपको ताकि आपको पता चले कितने अच्छे से इसकी डिजाइन दे रखी है. बांधने के लिए ये आपको थ्रेड में मिलेगा और पता है बहुत ही लाइट वेट है, हैवी नहीं है. इसकी डिजाइन मुझे बहुत प्यारी लगी है और स्पेशली मैं ये सब ज्वेलरी को ना कोई स्पेशल ओकेजन में पहनना बहुत पसंद करती हूँ. फ्रेंड्स ये है मेरी फर्स्ट नेक पीस. अब चलिए मैं इसकी सेकंड नेक पीस दिखाती हूँ जो मुझे इसे थोड़ी बड़ी रिसीव हुई है. आप देख सकते हो मैंने इसको खोला भी नहीं है, इसका ये लॉक अभी लगा ही हुआ है. जस्ट उसी की ये बड़ी वाली नेक पीस है
और डिजाइन सेम है इसमें। दोनों ज्वेलरी की डिजाइन एक ही तरीके से है और ये जो कुंदन है ना, ये अमेजिंग लग रही है। कितनी प्यारी इसकी पेंडेंट की डिजाइन है ना। और फिर आपको लॉक करने के लिए ये थ्रेड से आपको मिलेगा धागा। क्वालिटी के मामले में फ्रेंड्स कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बहुत ही प्यारी ज्वेलरी मुझे रिसीव हुई है। फ्रेंड्स चलिए मैं इस ज्वेलरी को वेयर करके आती हूँ और आपको दिखाती कि कैसी लग रही है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने इसे वेयर कर लिया और काफी ज्यादा ये लाइट वेट है, एकदम हैवी नहीं लग रही है पहनने पे। इनफैक्ट ना आप इसको जैसा मैंने बोला था किसी भी साड़ी के साथ इसको वेयर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जॉर्जेट साड़ी पहनी है रेड कलर की, इस पे भी ये काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और आई लव दिस ज्वेलरी। और इसकी इयररिंग एकदम लाइट वेट है, हैवी नहीं लग रही है और काफी प्यारी लग रही है ये। और आप इस ज्वेलरी को सिर्फ सिंगल भी एक पहन सकते हो, अगर आपको डबल नहीं पहनना है तो सिंगल सिर्फ एक बार पहन सकते हो। फ्रेंड्स ओवरऑल मुझे ये ज्वेलरी सेट काफी ज्यादा पसंद आई है, आपको कैसी लगी है और मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरी और सारी वीडियोस भी आने वाली है जो मैं ज्वेलरी सेट और मेकअप भी लेकर के आऊंगी, सो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। सो फ्रेंड्स मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।